अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का आखर बंदा है। एक साथ कई मुसीबतें कई चुनौतियों का सामना मुस्लिम समाज को करना पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। अभी कुछ ही दिन हुए प्राण प्रतिष्ठा का माहौल पूरे मुल्क में बनाया गया था। अभी शहर के कई मोहल्लों के परचम झंडे बैनर निकाले भी नहीं गए। वही ज्ञान व्यापी पर इलाहाबाद कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में दिया गया और वहां तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत भी दी गई। अक्सर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे कि मुसलमान खामोश क्यों हैं। आखिरकार आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात को रखते हुए अदालती कार्रवाई पर ही सवाल उठाए। क्या आस्था महज एक ही धर्म की होती है? लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज बाबरी मस्जिद का भी जिक्र करते हुए कहा कि अदालत ने इस बात को मान लिया था कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था और मस्जिद को गिराना भी गलत था, लेकिन अक्सरियत की आस्था का लिहाज करते हुए फैसला दिया जा रहा है। आज फिर ज्ञानव्यापी पर अदालत के फैसले से भारत के मुसलमानों को मायूसी हुई और अदलिया धीरे धीरे अपना भरोसा खोती हुई जा रही है, ऐसी भी बात कही गई। अभी एक तरफ इस पर बहस जारी ही थी कि उत्तराखंड हुकूमत की जानिब से यकसान सिविल कोड यानी कि कॉमन सिविल कोड को नाफिज करने के लिए देहरादून में एक मसौदा वजीर आला को सौंपा गया। भाजपा का पसंदीदा एजेंडा कॉमन सिविल कोड रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की सदारत वाली 5 मेंबरों की कमेटी ने आज इस मसूदे को वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। यकसा सिविल कोड को लेकर हमेशा मुसलमानों ने इसकी मुखालिफत की है। इसे लेकर बहस हंगामा भी इसके पहले हो चुका है। भाजपा के चुनावी एजेंडे में कॉमन सिविल कोड सरे फहरिस्त रहा है। अहम वादों में यानी कि भाजपा के अहम वादों में यकसा सिविल कोड को इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी बुनियाद ही हिंदुत्व है और खासकर मुसलमानों को ही निशाना बनाने के लिए बनाया गया ऐसा कहा जाता रहा है। शादी, तलाक, जमीन, मिल्कियत और विरासत में एक ही कानून लागू किया जाएगा जिसका सीधा असर मुसलमानों के पर्सनल लॉ पर होगा। लिहाजा जितना मुसलमानों को तकलीफ होने वाला कानून लाया जाएगा उतना ही अवाम को असल मुद्दों से भटकाने में भी आसान होगा। जाहिर है अब हुकूमत भाजपा जिसे हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है तो इस मुल्क में हिंदू कानून ही होगा ऐसा कहा जा रहा है। मुल्क की आजादी के बाद उत्तराखंड पहली रियासत के तौर पर देखा जाएगा जहां यह कानून नाफिज किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूसीसी पर कानून मंजूर करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिन का खसूसी सेशन भी पहले ही 5-8 फरवरी तक बुलाया जा चुका है। यूसीसी को कांग्रेस के साथ दिगर पार्टियों ने भी विरोध किया है। इनका कहना है कि मुल्क के भाईचारे और इसके जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। संघ परिवार और हिंदुत्ववादी सोच और फिक्र से बढ़ावा दे रहे जिससे मुल्क की तस्वीर आलमी सतह पर भी दागदार हो सकती है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि मुल्क के अकलियती तबका खासकर मुसलमान इस कानून की वजह से अलग थलग पड़ सकता है। उत्तराखंड सरकार के इस इकदाम के बाद मुल्क की सतह पर नैरेटिव चलाया जाएगा और फिर एक बार मुसलमानों को लेकर सुबह शाम टीवी डिबेट के जरिए जहन साजी की जाएगी। खैर अब सीएए का भी जिन बोतल से बाहर निकल चुका है। जैसे वजीर दाखला ने पहले ही क्रोनोलॉजी समझाई है फिर से मुसलमानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर हिंदुओं को या किसी और मजहब वालों के पास कागजात नहीं होंगे तो सीएए के तहत उन्हें कवर किया जाएगा पर मुसलमानों को इस पर अपनी दलीलें पेश करनी पड़ेंगी। अगर कागजात नहीं है तो दूसरे नंबर के शहरी बनाए जाएगा। डिटेंशन सेंटर का भी डर दिखाया जाता रहा। कागजात नहीं है तो इनका वोटिंग राइट भी छीन लिया जाएगा। जमीन नहीं खरीद सकते, कारोबार नहीं कर सकते, नौकरी नहीं दी जाएगी और भी दीगर मामला इनके साथ पेश किए जा सकते हैं। मतलब एक तरह का खौफनाक मंजर पेश करने की कोशिश की जा रही। भारत में मुसलमानों को अलग थलग और एक नए दलित के तौर पर इन्हें पेश किया जा रहा है। इस तरह से इन्हें बनाया भी जा रहा है और इन्हें अछूते की तरह पेश करने की साजिशें अंजाम दी जा रही है। नए दलित बनाने के साथ दलितों को हिंदू बनाने की जद्दोजहद भी जारी है और कुछ हद तक कामयाब भी हुए। आज भी अगर मुसलमानों के खिलाफ फसादात में ओबीसी पिछड़ा तबका ही इस्तेमाल किया जाता रहा, कभी भाजपा या संघ के बड़े तंजीमों के झंडे आम इंसान और खासकर ओबीसी पिछड़ा तबका ही पकड़ता रहा और आगे पेश पेश यही रहता और इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। यकीनन मरकज और रियासत में भाजपा आती है तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जहां भाजपा नहीं है वहां कुछ हद तक मुसलमानों को राहत कह सकते हैं, मसलन कर्नाटक, बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी वगैरह। लिहाजा इसी दरमियान एक और बात सामने आई है। कर्नाटक के नायब वजीर आला डी के शिवकुमार के भाई डी के सुरेश ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि जुनूबी हिंद की मिल्कियत रुपया शुमाली हिंद में खर्चा किया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया को ही भरपूर तऊन मोदी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लिहाजा भारत को दो हिस्से में तकसीम किया जाए ऐसा मशवरा डी के सुरेश ने दिया है। उत्तर भारत जहां हिंदी बेल्ट कहा जाता है यकीनन भाजपा हुकूमत में है और दक्षिण भारत में भाजपा का तकरीबन रसूख खत्म हो चुका है। हाल ही में तेलंगाना और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में
हलचल मची हुई है। और वैसे भी उन्हीं लोगों पर आईटी सीबीआई ईडी के छापे मारे जा रहे हैं जहां भाजपा नहीं है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बयान के पीछे कोई और मकसद है। डीके सुरेश ने दक्षिण भारत ही को एक अलग मुल्क बनाने का रास्ता है ऐसा बताया, क्योंकि दक्षिण भारत के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। यह बयान डीके सुरेश का है और इस पर मुख्तलिफ मीडिया में बहस भी जारी है। इस बात को दर्ज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इत्तेहाद न्यूज की खबर को प्रोवोकेटिव कहा जा रहा है। पुलिस इंतजामिया को चाहिए कि कोई भी फरियाद दर्ज कर रहा है तो झूठ और सच के पैमाने को तोड़े, क्योंकि कोई भी कुछ भी खबर लाता है तो सच्चाई की पड़ताल तो करे कम से कम। सिर्फ एक तरह की ज़हनियत से काम को अंजाम न दिया जाए। शायद ही कोई न्यूज चैनल या अखबार वेबसाइट होगी जो सुबह से शाम तक मुसलमानों को गाली देते हुए या फिर हिंदू मुस्लिम का तफरका नफरत जहर घोलने के सिवाय आपको कहीं पर भी नजर नहीं आती। किसी एक्स वाई जेड के गलत कंप्लेंट पर हमसे सफाई मांगना गलत ही कह सकते हैं, क्योंकि हम खबरें दलीलों पर ही देते हैं और दलीलों पर ही मुबनी होती है। खैर, मुसलमानों के सामने कई चुनौतियां हैं जिस पर अब तक खामोशी ही देखी जा रही है। अगर बोल भी रहे तो एक आध मसले पर, जैसे आज ज्ञानवेपी पर बोला गया, किसी तरह का कोई मंसूबा मुसलमानों के पास नजर नहीं आ रहा। आजमाइशों की कतार लगी हुई है। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ज्ञानवेपी, सीएए, एनआरसी, सिविल कोड, इतना तो जरूर है कि इस कौम का मुहाफिज खुदा ही है, क्योंकि मुश्किलें बहुत है। ईमान कमजोर है, दुनिया परस्ती में सभी मुलव्विस है, कईयों को तो क्या चल रहा है ये भी मालूम नहीं है। लिहाजा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस दौर के दलित मुसलमानों को बनाया जा रहा है। बहुत ही अनकरीब है कि मुसलमानों के साथ अछूते की तरह बर्ताव किया जाने वाला है। आने वाली नस्लें इस दौर के तूफान से बचने की सख्त नजर नहीं आ रही इनमें। आज का मुसलमान अपनी मस्त जिंदगी में मसरूफ है इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಅದರ ಪಾಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲೇನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಣ, ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.